फोर्थ क्लास साइंस चैप्टर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। ऑल अराउंड अस वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स, सम ऑफ दीज लाइक मैन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। Can move, grow, feel, breathe, reproduce, need air, water and food. These are living things. The other like rocks, mountains, wood, etc. are non-living things. They do not need anything. They do not grow, move, breathe and or reproduce. We can classify all living things into two main groups. These are animals. These include insects, man, animals, fish, birds, etc. Plants. These include all types of trees, creepers, crops, grasses or plants. प्यारे बच्चों, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से जैसे कि आदमी है, पशु है, कीट पतंगे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये चल सकती हैं, छोटे से बड़ा होती हैं, फील करती हैं, सांस लेती हैं, अपनी संतानें पैदा करती हैं, इनको हवा, पानी और भोजन की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव प्राणी होती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी होती हैं, जैसे रॉक होता है, माउंटेन, लकड़ी आदि होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें भोजन मिले या ना मिले, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो ये भोजन खाती हैं और ना ये भोजन खाने से बड़ा होती हैं। एक पत्थर जितना बड़ा होता है वो 2 साल बाद भी उतना ही रहता है। इन सभी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ना बढ़ती हैं, ना चलती हैं, ना सांस लेती हैं, ना संतान उत्पन्न करती हैं। हम सारी चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को, इन सारी लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक एनिमल्स होते हैं, इनमें कौन कौन होता है, इनमें मैन होता है, एनिमल होता है, फिश होती है और बर्ड्स शामिल हैं। और प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रीज़ होती हैं, बेलें होती हैं सब्जियों की या और दूसरी बेलें, फसलें होती हैं और घास और पौधे आदि होते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग्स, इस तरह से लिविंग बींग्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर इन सम वे और द अदर डिपेंडेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन अदर लिविंग थिंग्स। लेट अस लुक एट द पिक्चर बिलो। प्लांट्स प्रोवाइडर्स, क्या प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स हमें, क्या क्या देते हैं, एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं, ये मैं अभी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। यू कैन सी दैट प्लांट्स गिव एनिमल्स ऑक्सीजन, फूड, फ्यूल एंड शेल्टर, वाइल एनिमल्स गिव प्लांट्स फर्टिलाइजर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प इन देयर रिप्रोडक्शन। Let us take a closer look at what animals get from plants and how these interdependence work. सभी जीवित प्राणी जो होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए, इस संसार में बने रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आओ हम पिक्चर देखते हैं। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, प्लांट्स हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्यूल, रूट और शेल्टर देते हैं, यानी रहने के लिए हमें लकड़ी, फर्नीचर वगैरह देते हैं। और एनिमल्स हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं और रिप्रोडक्शन देते हैं। अभी हमारे क्या क्या काम आते हैं, यू कैन सी दैट प्लांट, आप देखते हो कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। आप देखिए, एक दूसरे पर दोनों निर्भर हैं, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, और इन्हें फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एनिमल्स इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं और
फ्यूल और शेल्टर देते हैं, जबकि एनिमल्स हमें खाद, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। आओ हम इनके और नज़दीक से देखते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स क्या एट व्हाट एनिमल्स गेट एनिमल्स प्लांट्स से क्या लेते हैं, हाउ दिस इंटरडिपेंडेंट वर्क्स, किस तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, फूड ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स दैट आर हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, दीज हर्बीवोर्स इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। द प्लांट्स टू नीड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देयर फूड, दे गेट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। द सॉयल कैन नॉट सपोर्ट प्लांट्स इफ इट हैज लिटल और नो न्यूट्रिएंट्स, दीज नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एनिमल्स हेल्प इन डूइंग सो। एनिमल्स फेसेस एंड डेड बॉडीज आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस विच मेक्स सॉइल फर्टाइल। सभी पशु सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर करते हैं। कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, वो पौधे खाते हैं या पौधों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। ये एनिमल्स बाद में क्या बनते हैं, कार्निवोर्स का भोजन बन जाते हैं। जैसे हिरन घास खाता है, पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है और बाद में शेर इस हिरन को खा लेता है। यानी कि हिरन का भोजन पेड़ पौधे था और हिरन शेर का भोजन बन गया या ओमनिवोर्स का भी भोजन बन गया। इस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतुओं का भोजन बनते हैं और इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो हैं वो पौधों पर पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं जीवित रहने के लिए। प्लांट्स को भी अपना भोजन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वे अपना न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जमीन से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो उनको भी वो अपनी ज़रूरतों को समय समय के अनुसार रिप्लेस करते रहते हैं और इस काम में एनिमल्स उनकी मदद करते हैं। एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और इस तरह से उनकी बॉडी से मिट्टी में एक ह्यूमस पैदा हो जाती है जिससे वो उपजाऊ हो जाती है, विच मेक सॉइल फर्टाइल, जो ज़मीन को मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग, हमने अभी पढ़ा था फूड और अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीद, वेन दे ब्रीद इन दे टेक इन ऑक्सीजन इन टू देयर बॉडी, दिस ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू गिव एनर्जी टू एनिमल्स टू वर्क एंड लिव। प्लांट्स कंटिन्यूसली रिप्लेस ऑक्सीजन इन टू द एयर, वेन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अब सांस के लिए भी देखो दोनों एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर रहते हैं। सभी प्राणियों को सांस लेने के लिए सांस लेते हैं, सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपको भी और मुझे भी और पशुओं को भी। ये ऑक्सीजन जो है, हम जब ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो हमारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिससे हम और हम सभी पशु जीवित भी रहते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन प्लांट्स लगातार ऑक्सीजन को रिप्लेस करते रहते हैं। रिप्लेस कैसे करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं हवा के अंदर। लेकिन वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो लेते क्या है, वो सांस किस में क्या लेते हैं, व्हेन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड, जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और वही ऑक्सीजन फिर हम सांस के द्वारा ले लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना फूड बनाने में यूज कर ले। इन फैक्ट्रीज आर ऑक्सीजन फैक्ट्रीज ऑफ अर्थ, इस तरह से ट्रीज जो हैं वो इस ज़मीन पर ऑक्सीजन की फैक्ट्री के रूप में हैं। नाउ एज मेंशन्ड अबव प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। एनिमल्स प्रोवाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीदिंग। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, सभी जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाते हैं। जब मनुष्य और एनिमल सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देते हैं, और यही हवा में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना भोजन बनाने में यूज़ करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फाइबर्स फायर्स ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वे वाइल प्लांट्स मेक ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। जब कोई हम ईंधन जलाते हैं या आग जलाते हैं तब भी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और इस तरह से हम प्लांट्स को प्लांट्स मेक ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और एनिमल्स प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इस तरह से वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। शेल्टर, ये कैसे घरों में रहते हैं, कैसा इनका निर्वहन होता है। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेदर कंडीशंस एंड एनिमीज। Trees also provide shelter to man. They give us wood that is used to build house. Plants और trees हमें रहने के लिए घर भी provide करवाते हैं। कैसे? देखो, बहुत सारे जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीट पतंगे पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, चूहे वहीं रहते हैं, और इस तरह से ये plants उन्हें मौसम की जो आपदा है जैसे बरसात धूप से बचाते हैं और शत्रुओं से भी बचाते हैं। और ट्रीज क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मनुष्य को भी शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमारा जब घर बनता है तो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और वो लकड़ी हमें ट्रीज से मिलती है। इस तरह से हमें पेड़ पौधे जो हैं वो शेल्टर भी देते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। Plants are to a large extent dependent on animals for their reproduction. The animals eat the foods and throw away the seed on the ground where they can germinate. Birds eat the seed and foods and fly long distances. They scatter the seeds wherever they leave their droppings. These seeds then germinate into new plants. Digging and burrowing animals constantly turn the soil and make it much airier. This is help in good seed germination too. पौधे अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। किस तरह से? देखो, आप और हम और पशु जो हैं वो फल खाते हैं, और फल के अंदर जो बीज होता है उसे हम कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। पेड़ के नीचे तो नहीं फेंकते, हम अपने घर पर लाते हैं और आसपास में कहीं फेंक देते हैं, और जैसे ही वो ग्राउंड में गिरते हैं और उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो बीज जर्मिनेट हो जाता है, उग जाता है और पौधा बन जाता है। इस तरह से पौधों की रिप्रोडक्शन होती है। ऐसे ही पक्षी भी बीज खाते हैं और फ्रूट खाते हैं। जैसे चिड़िया ने गेहूं खाया, और जब वो अपनी ड्रॉपिंग्स करती है, बीट करती है, तो उसमें से वो गेहूं का दाना कहीं गिर जाता है जहाँ पे वो बैठकर ड्रॉपिंग करती है, तो वहाँ पर भी वही पौधे उग जाते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स के बीज भी वो इधर उधर कहीं पर फैला देती है और ड्रॉपिंग्स में निकल जाते हैं और फिर उनके पौधे उग जाते हैं। इस तरह से बीज उग कर पौधे बन जाते हैं। और जो जड़ें खोदने वाले जानवर होते हैं जैसे कि चूहा होता है, खरगोश होता है, सांप होता है, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को खोदते हैं, उसमें अपने घर बनाते हैं, है ना, अपने बर्रोइस बनाते हैं,
और इस तरह से वो मिट्टी को बहुत हवादार बना देते हैं, मिट्टी में हवा चली जाती है और इस तरह से मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद है फ्यूल कैसे मिलता है। हमें प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल फॉर आवर फायर्स, हे स्ट्रा वुड स्टार डस्ट आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स, वी यूज दीज टू कुक आवर फूड एंड कीप आवर सेल्स वार्म ऑल्सो। पौधे हमें फ्यूल भी देते हैं जिससे हम आग जलाते हैं, जैसे भूसा है, तूड़ी है, लकड़ी है, या फिर लकड़ी का जो बुरादा होता है वो सब हमें प्लांट्स से ही मिलता है। इनसे हम अपना भोजन बनाते हैं और हम अपनी सर्दियों में बॉडी को गर्म भी करते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन कैसे आती है, एनिमल्स बिसाइड द ह्यूमंस ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट टू अ फॉर्म दैट कैन बी इजली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर। Thus, we can see that both plants and animals are dependent on each other for survival. One without the other will not survive. Animals के साथ साथ human being जो है, मनुष्य भी environment में nitrogen को fix करते हैं जो plants के काम आती है। कुछ living organisms oxygen लेते हैं और उसे हवा में छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लें, उसे पौधे उस नाइट्रोजन को सोख लें। कहाँ से, मिट्टी से। पौधे तो मिट्टी में होते हैं, यानी कुछ जानवर नाइट्रोजन को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल जाती है। और प्लांट्स कैन नॉट, क्योंकि पौधे जो हैं वो एटमॉस्फेयर में से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, वो मिट्टी के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। और मिट्टी में नाइट्रोजन कौन मिक्स करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग्स या जानवर एनिमल्स मिक्स करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। वन विदाउट अदर विल नॉट सर्वाइव। अगर केवल प्लांट्स प्लांट्स होते, एनिमल्स ना होते, तो प्लांट्स जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनके फूड बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं मिलती और उनकी रिप्रोडक्शन भी नहीं होती। और अगर एनिमल्स ही होते, प्लांट्स ना होते, तब एनिमल्स भी जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन ना होती तो कोई भी एनिमल जीवित नहीं रह सकता था। इस प्रकार एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। हैव अ नाइस डे। वॉच इट, लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट।